और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चीन को आर्थिक चोट पहुंचाएंगे तीन देश, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। चीन का व्यापार वर्चस्व खत्म करने की तैयारी तीन देशों की है। तीनों देश मिलकर सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे और चीन पर जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसे खत्म करने की पूरी कोशिश इन तीन देशों द्वारा की जाएगी। जैसे जैसे एलएसी के पराक्रम की गाथा बीजिंग पहुंच रही है, वैसे वैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रोपोगंडा भी बढ़ता जा रहा है। पैंगयोंग की काली चोटी पर तो पीएलए पिट गया, लेकिन सोशल मीडिया में चीन की सेना जमकर आतिशबाजी कर रही है। पिछले 24 घंटे में जिनपिंग के झूठ के कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसे देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि ड्रैगन को इस बार जख्म इतना गहरा लगा कि उसने सोशल मीडिया पर बारूदी बारिश शुरू कर दी। ड्रैगन जख्मी है, दर्द से कराह रहा है। पैंगोंग में हिंदुस्तान की तरफ से दी चोट से उसकी चीखें निकल रही हैं और वो अपना गुस्सा इस तरह मिसाइल लाइव ड्रिल से निकाल रहा है। ये ड्रैगन का प्रोपेगेंडा ट्रेनिंग वाला नया वीडियो है। अब तक पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आखिर किस तरह हिंदुस्तान ने चीनी सैनिकों को मार मार कर पैंगोंग से भगाया है, और अब चीन इस तरह ट्रेनिंग का फर्जी वीडियो जारी कर बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना ताकतवर है। देखिए, कभी दिन में तो कभी रात के अंधेरे में चोरों की तरह ड्रैगन की कायर आर्मी निकलती है, ड्रोन उड़ाती है और फिर सवेरा होते ही अपनी आर्टिलरी से फायर करना शुरू कर देती है। दुनिया हजारों बार ड्रैगन के इस तरह प्रोपेगेंडा वीडियोस देख चुकी है और सभी को समझ आ चुका है कि चीन के इस वीडियोस में ताकत कम, दिखावा ज्यादा है। हालांकि चीन का ये ट्रेनिंग वाला वीडियो तिब्बत के शिजांग का है, लेकिन जिनपिंग के ऐसे ही वीडियोस से किसी को डर नहीं लगता, बल्कि सब समझ गए हैं कि ये तो उसकी साजिश का एक हिस्सा भर है। और टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में चीन की बर्बादी का फाइनल प्लान तैयार होगा। दिल्ली में क्वाड की अगली बैठक होने वाली है। भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये तैयार करेंगे प्लान कि कैसे चीन की बर्बादी लिखी जाए। दिल्ली में चीन को बर्बाद करने की स्ट्रेटजी तैयार होगी, जिसमें क्वाड की अगली मीटिंग, जिसमें भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान इस बात को लेकर प्लान तैयार करेंगे कि चीन को कैसे सबक सिखाया जाए। भारत चीन टक्कर पर यह बड़ी खबर है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है चीन, और एलएसी के किसी भी पॉइंट पर चीन टारगेट कर सकता है। सरकार के टॉप लेवल सोर्सेस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन ने जंग का पूरा सामान इकट्ठा कर लिया है और किसी भी वक्त चीन हमला कर सकता है। चौतरफा घिरने से चीन जितना खौफ में है, उतनी ही खलबली पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में तनाव इस बात का है कि अगर भारत चीन की सेना को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर सकता है तो पाकिस्तान का आखिर हाल क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। और इसी डर से बाजवा और इमरान की नींद उड़ी है, और इसी खौफ के चलते जल्द ही दोनों एलओसी का दौरा भी करने वाले। युद्ध का खौफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, विध्वंसक मिसाइलें तैनात हैं एलएसी के दोनों तरफ, युद्ध की आशंका आकार ले रही है चीन और हिंदुस्तान में, लेकिन खलबली मची हुई है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत है, मुजफ्फराबाद से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक हलचल तेज है। इमरान खान अलग बैठक कर रहे हैं, जनरल बाजवा अलग मंथन कर रहा है। पाकिस्तान में दहशत का आलम यह है कि भारत और चाइनीज आर्मी के बीच नई झड़प की खबर मिलते ही जनरल बाजवा ने आधी रात को मीटिंग बुला ली। सुबह सुबह ही आर्मी हेडक्वार्टर में जनरल बाजवा ने तमाम कमांडर्स के साथ मैराथन बैठक की। देर शाम तक यह बैठक चलती रही। बताया जा रहा है एलएसी पर तनाव को देखते हुए एलओसी पर मुस्तैदी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। एक तरफ कश्मीर में पाकिस्तान पूरी पलटन उतारने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरहदी इलाकों में गांवों को खाली कराया जा रहा है। कब्जे वाले कश्मीर के गांव से लोगों को निकालकर वहां आर्मी तैनात की जा रही है। वजह बेहद साफ है, हिंदुस्तान और चीन के बीच भिड़ंत में पाकिस्तान को कब्जे वाला कश्मीर खोने का डर है। अगर युद्ध होता है तो हिंदुस्तानी शूरवीरों का टारगेट पीओके में मौजूद चाइनीज आर्मी और मेड इन चाइना फाइटर जेट्स भी होंगे। पीओके में मिसाइलों का प्रहार होगा तो चीनी आर्मी के साथ साथ बाजवा की फौज और आतंकी भी मारे जाएंगे। इसी युद्ध के बहाने भारतीय सेना अखंड कश्मीर के बहुप्रतीक्षित प्लान को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में वो होगा जो ख्वाब में भी जनरल बाजवा को डरा रहा है, इमरान खान को कपा रहा है। यही वजह है कि कमांडर्स के साथ मैराथन मीटिंग के बाद जनरल बाजवा प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात करने वाला है।
खबर तो यह भी है कि कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी आतंकी और सेना को भरोसा दिलाने के लिए जल्द ही इमरान खान और जनरल बाजवा LOC का दौरा करने वाले हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान में डर का मीटर हद से ऊपर पहुंच गया है और अगर भारत और चीन में युद्ध शुरू हो गया तो ये डर हकीकत में तब्दील हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।